हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद सीमा। जैसा कि आपको देख के पता चल गया होगा, आज मैं कॉफ़ी बनाने वाली हूँ। जी हाँ, पर ये नॉर्मल से थोड़ी अलग हटके होगी। झाग वाली क्रीमी फ्रॉथी कॉफ़ी जैसा कि आपको रेस्टोरेंट या कैफ़े में मिलती है, तो आज हम घर पे बना के तैयार करेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल कॉफ़ी, और वो भी बिना किसी मशीन की मदद से, और बस कुछ ही मिनटों में हम इसे बना के तैयार करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं घर पर बनाना झाग वाली क्रीमी फ्रॉथी सी कॉफ़ी। कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने 4 बड़े चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी लिया है, नेस्कैफे ब्रू, आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी ले सकते हैं। और 6 चम्मच मैंने चीनी लिया है, चीनी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो एक बड़े बाउल में हम कॉफ़ी और चीनी को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कॉफ़ी और चीनी को एक बड़े बाउल में ले लिया है, और अब एक स्पून के हेल्प से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो कॉफ़ी और चीनी मिक्स हो गई है, तो अब हमें चाहिए गर्म पानी। तो इसे बनाने के लिए हम बिल्कुल बॉयल वाटर लेंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप गर्म पानी लिया है, पर इसे एक साथ नहीं डाल के हम थोड़ा थोड़ा डाल करके डालेंगे। तो अभी मैं 2 चम्मच गर्म पानी ले रही हूँ। तो गर्म पानी लेने से चीनी हमारी काफ़ी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी, और कॉफ़ी काफ़ी फ्रॉथी और क्रीमी बन के तैयार होगी। तो स्पून से पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम एक हैंड विस्कर की मदद से बीट करना शुरू करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा, आप 2 से 3 मिनट के अंदर इसे बना के तैयार कर लेंगे। पर हर किसी के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता, इसीलिए मैं हाथ से विस्क करके आपको बता रही हूँ। तो इसे बीट करते हुए मुझे लगभग 1 मिनट हो गया है, और इसका कलर काफ़ी लाइट हो गया है, और चीनी भी डिसॉल्व होनी शुरू हो गई है। तो इसमें 1 चम्मच पानी अभी मैं और डालूँगी। तो एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा व्हिप करेंगे, और फिर एक एक चम्मच करके हम डालेंगे। और इसे हमें तब तक व्हिप करना है जब तक कि क्रीमी और फ्रॉथी बन के नहीं तैयार हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 से 5 मिनट मुझे बीट करते हुए हो गया है, और ये काफ़ी क्रीमी हो गई है। फिर से मैंने 1 चम्मच पानी डालकर और फिर से इसे बीट करूँगी। तो जैसे जैसे आप व्हिप करेंगे, इसमें हवा भरती जाएगी और ये लाइट और क्रीमी होती चली जाएगी। तो इसे हमें पूरी तरह से चीनी डिसॉल्व हो जाने तक व्हिप करना है, जैसा कि हम केक के लिए क्रीम को व्हिप करते हैं, हमें बिल्कुल उसी टेक्सचर में इसे लेके आना है। तो इसे व्हिप करते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो चुका है, और इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी और फ्रॉथी हो चुका है, और ये काफ़ी अच्छे से व्हिप हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बन के तैयार है। तो इसे अब मैं एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल लूँगी, और इसे आप बना के एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और आप 1 वीक तक इस व्हिप की हुई कॉफ़ी को यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्रीमी कॉफ़ी बन के तैयार है। तो चलिए मैं आपको बना के बताती हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ मैंने फुल क्रीम मिल्क का यूज कर लिया है, इससे कॉफ़ी में काफ़ी अच्छा फ्रोथ बन के आता है। तो दूध हमारा गर्म हो गया है, तब 1 कप में हम 3 कप ये व्हिप की हुई कॉफ़ी डालेंगे। 1 कप कॉफ़ी के लिए 4 चम्मच इस व्हिप की हुई कॉफ़ी को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी कॉफ़ी बिल्कुल परफेक्ट बन के आती है। फिर भी अगर आप अपने पसंद से जैसे स्ट्रॉन्ग कम या ज़्यादा करना पसंद करते हैं, तो आप अपने पसंद से व्हिप की मात्रा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 3 चम्मच अभी इसमें डाल रही हूँ, और 1 चम्मच बाद में मैं ऊपर से डालूँगी। और मैंने गर्म दूध को अब इसके ऊपर से डालना है। तो दूध को मैं थोड़े ऊंचे से डालूंगी, जिसमें काफ़ी अच्छा फ्रोथ बन के आएगा कॉफ़ी में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा फ्रोथ कॉफ़ी में बन के आ गया है, और इसके बाद इसके ऊपर से मैं 1 चम्मच और व्हिप की हुई कॉफ़ी डालूंगी, और 1 स्पून से इसे मिक्स कर दूंगी ऊपर से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल क्रीमी और फ्रॉथी टेक्सचर आया है, बिल्कुल कैफे या रेस्टोरेंट जैसा।
तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने घर पर ही कैफे जैसा कॉफ़ी मिनटों में बना के तैयार कर लिया है। और इतनी व्हिप की हुई कॉफ़ी से आप 6 से 7 कप कॉफ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा मैं कॉफ़ी से इसे डेकोरेट कर दूंगी, तो बड़ी ही आसानी से मिनटों में कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी घर पे बन के तैयार है, और वो भी बिना किसी मशीन की मदद से। तो आई होप आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें और सर्दियों में इस मज़ेदार सी कॉफ़ी का आनंद लें। और अगर आपको लगती है मेरी रेसिपीज़ अच्छी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।